साहब, एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि सत्य कभी भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है, ठीक बात है, लेकिन सत्य सत्य ही रहता है, कभी भी उजागर हो ही जाता है वो चीज़। कैसा निकला ये वक्त आपका? बस बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ मिला है, हर वक्त सीखने के लिए ही होता है। जीवन के हर पड़ाव में हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और मैंने उसका लाभ उठाया है। घर आने के बाद क्या कहना चाहते? पूरा समाज ही मेरा घर था ही, मैं कहीं आया ही नहीं और कहीं गया भी नहीं। आगे की क्या प्लानिंग? बस सन्यासी का जो प्लानिंग रहता है वही रहता है। समाज आपका भव्य स्वागत हुआ है। बस लोगों की कृपा प्रेम वही है, बाकी तो स्वागत हो वो अपने उनके अंदर जो संत की जो गरिमा थी उसको अभिव्यक्त किया है, मेरा स्वागत नहीं हुआ है। समाज में संत की जो अभिव्यक्ति होनी चाहिए वो जीवंत है, ये हमें प्रमाण हमारे सामने दिख रहा है। आज विश्व हिंदू परिषद अपना एक जन्म का वर्ष मनाने जा रहा है, तब इसकी जब साल गिरा है, वर्षगांठ आ रही है, तब उसी दिन माननीय उच्चतम न्यायालय भरूच के ही श्री भावेश पटेल को, जैसे कि बेल होना चाहिए वो टेक्निकली लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, उच्चतम न्यायालय ने बेल सेंक्शन किया, जिसके तल के नीचे की जो न्यायपालिका है उसने भी बेल सेंक्शन किया और आज अपने यहाँ भरूच में भावेश पटेल का आना हुआ है। मेरे पूरे परिवार हिंदू परिवार के लिए और पूरे के पूरे जो विश्व हिंदू परिषद का जो परिवार है उसमें खुशी का माहौल है, पूरे भरूच के भी और पूरे देश के हिंदुओं में भी एक खुशी का माहौल आज दिखाई दे रहा है। भावेश आज वापिस आए हैं।